ये किसने भेजा है मैं नहीं जानती। बेशर्म लड़के। अरे भाई फोन करते हैं। मैंने अमल को कभी कुछ नहीं बताया। और आई लव यू मेरी जान अमल। जब मोहब्बत का इकरार ही नहीं करोगे तो मोहब्बत को हासिल कैसे करोगे? वैसे भी ये लड़का लड़की की दोस्ती के मैं बिल्कुल हक में नहीं। जैसे मैं किसी सहरा में भटक रही हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें काम करने की इजाजत जरूर दी है। कुछ नजर ही नहीं आ रहा। रेहान की अभी उससे पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो। रेहान कहता है कि मैं करता हूँ, लेकिन कभी उसको बताया नहीं और शायद कभी बता भी न सकूं। जिस पर रेहान की बहन उसे कहती है, अगर बताओगे नहीं तो मोहब्बत को कैसे हासिल करोगे? अमल को लगता है कि जैसे उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हों, कोई रास्ता नहीं, जैसे वो एक सहरा में भटक गई हो। ऊपर से अनवार उसे कहता है कि लड़कों से तुम्हारी दोस्ती में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोने पे सुहागा तब होता है जब राशिद कूरियर लाकर अमल को देता है और जिसे पढ़कर अनवार उससे कहता है कि बेशर्म, अब लोग तुम्हें घर पर लव लेटर जाएंगे। और अनवार अमल पर हाथ उठाने की कोशिश कर लेता है, लेकिन राशिद उसे रोक लेता है। क्या ये राशिद की हरकत है या किसी और की? कैसे अमल इन हालात का मुकाबला करेगी? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन